चिकित्सा विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4008 पदों पर नियुक्ति पद स्थापना के आदेश किए जा रही है। 48 मृतक आश्रितों को दी गई अनुकंपा नियुक्ति। जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने राजा पार्क में महात्मा गांधी अस्पताल के सिटी सेंटर का किया उद्घाटन। पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता ने की अध्यक्षता और डॉक्टर एमएल स्वर्णकार और राम मंदिर प्रन्यास के सचिव अजय खुराना रहे विशिष्ट अतिथि। भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर शाखा की ओर से जयपुर जिले के 21 सरकारी विद्यालयों के लिए एक्सपोजर विजिट का किया गया आयोजन। विजिट में 600 से अधिक विद्यार्थियों और अध्यापकों ने लिया भाग। प्रदेश में मौसम में आए बदलाव के साथ ही अस्पतालों में सर्दी जुकाम और बुखार के बड़े मरीज। दौसा जिला अस्पताल में भी मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ी। बारा में खेल मंत्रालय के अभियान फिट इंडिया के तहत ग्रीन रन का किया गया आयोजन। 3 किलोमीटर लंबी दौड़ में प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित संयोजनम 2024 कार्यक्रम में बना विश्व कीर्तिमान। 2500 से अधिक आयुर्वेद चिकित्सकों, शिक्षकों और छात्रों ने चरक संहिता के श्लोकों का एक साथ किया पाठ। बूंदी में कल से होने वाले बूंदी महोत्सव के तहत किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने महोत्सव की सभी तैयारियां की पूरी। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही मोबाइल वेटनरी वैन की सुविधा पशुपालकों के लिए हो रही है कारगर साबित। हनुमानगढ़ जिले में 11 मोबाइल वैनों के जरिए पशुओं को समय पर मिल रहा है उपचार। पशुपालन विभाग की ओर से सामाजिक युवा संगठन संस्थान के सहयोग से पशुओं में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जा रहा है टीकाकरण। जयपुर के देवगांव में 778 पशुओं को लगाए गए टीके। बालोतरा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वार्षिक सत्यापन का काम हुआ शुरू। 31 दिसंबर तक सत्यापन नहीं करवाने वाले लोगों को नहीं मिलेगा पेंशन का भुगतान। झालावाड़ के राज्य स्तरीय चंद्रभागा कार्तिक मेले में भजन संध्या का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में बालोतरा के प्रसिद्ध भजन गायक प्रकाश माली ने दी आकर्षक प्रस्तुति। बालोतरा में नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 और 11 की रिक्त सीटों पर चयन परीक्षा के लिए 19 नवंबर तक किए जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। प्रतिभागी विद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं निःशुल्क आवेदन। बूंदी के दहीखेड़ा इलाके में निजी बस के पलटने से 2 लोगों की हुई मौत। हादसे में लगभग 12 लोग हुए घायल। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में पुलिस ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की सूचना पर की कार्रवाई। मध्य प्रदेश नंबर की पिकअप से करीब 49 लाख रुपए की कीमत का अफीम डोडा चूरा किया बरामद। और चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राज्य स्तरीय दृष्टिहीन क्रिकेट प्रतियोगिता का किया जा रहा है आयोजन। प्रतियोगिता में जोधपुर, उदयपुर, अजमेर सहित कई जिलों की टीमें ले रही हैं हिस्सा।